भारत पहुंची पांचवी फ्लाइट, दो सौ उनचास भारतीय छात्रों को सकुशल वापस फ्लाइट लेकर आई है। इससे पहले चार फ्लाइट्स में वतन लौट चुके 1000 से ज्यादा लोग। रूस के हमले के विरोध में मॉस्को में हुआ प्रदर्शन, रूसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, शहरों में निकाला गया जुलूस। गुरुग्राम में बदमाशों ने दिया ट्रिपल मर्डर को अंजाम, हत्या से मचा हड़कंप, घटना की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में दिखी बीजेपी विधायक के भाई की गुंडई, जमीन पर कब्जा करने का किया प्रयास, मामले में एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर एक हाई लेवल की बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज पांचवा दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई एक झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ से रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना के कब्जे की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और चार मंत्री ऐसे हैं जो कि यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और वहां जाकर जितने भी वहां पर भारतीय फंसे हैं उनको निकालने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। यूक्रेन में फंसे 249 छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पांचवी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। सरकार की तरफ से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। इसके तहत चार फ्लाइट से 1147 लोगों को पहले ही भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक रूसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। रूस की सरकार हर दिन सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में इकट्ठा होकर जुलूस निकाली और युद्ध के विरोध में नारे लगाए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के साथ जारी तनाव के बीच रूसी परमाणु प्रतिरोधी बलों को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। हमले के विरोध में रूस में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। देश की पुलिस ने रैलियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। ओवीडी इन्फो संस्था के अनुसार पुलिस ने 32 शहरों में से कम 356 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। तो अपने ही देश में अपने ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही देश के खिलाफ। वहीं पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि परमाणु जो जत्था है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे। तो इससे सभी देशों के कान खड़े हो गए हैं कि क्या पुतिन यहां पर एटॉमिक हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनको पुलिस वहां से गिरफ्तार कर रही है। दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो रूस में सड़कों पर उतर आई है और यूक्रेन पर जिस तरह से रूस का हमला हो रखा है उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है और खुद ही के राष्ट्रपति के खिलाफ भी यहां पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को कराया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार इस चरण के लिए शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ दल समेत विपक्ष जनता को लुभाने और वोट मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी अखिलेश प्रियंका की जनसभाएं रैलियां बड़े स्तर पर होनी है। बता दें कि चरण में 57 सीटों पर मतदान कराया जाएगा जिसके लिए कुल
676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर, बस्ती और संतकबीरनगर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। तो छठे चरण के लिए पूरी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने कर ली है और इसी कड़ी में आज संतकबीर नगर जाएंगे अखिलेश यादव और वहां पर तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी सभी छठे चरण को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। अंबेडकर नगर, बस्ती, संतकबीर नगर ये मुख्य जिले हैं जहां पर चुनावी जनसभाएं होंगी। तो दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, ऐसे में इन जिलों पर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इसी तरह का जो माहौल है अखिलेश बनाने की कोशिश संत कबीर नगर में करेंगे। आपको बता दें कि छठे चरण को लेकर 3 मार्च को मतदान होना है और सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। छठे चरण को लेकर सत्तारूढ़ दल समेत विपक्षी पार्टियां जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वोट मांगने की एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ तस्वीरें छठे चरण को लेकर कितना शोर सुनाई दे रहा है? विजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो विजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि संतकबीर नगर में मौजूद हैं विजय और वहां से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से बात नहीं हो पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि संतकबीर नगर में आज अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। छठे चरण की जो तैयारी है वो भी पुरजोर तरीके से देखी जा सकती है। आपको बता दें कि छठे चरण में 57 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए कुल 676 उम्मीदवार मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता करने वाले हैं छठे चरण में। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर, बस्ती और संतकबीर नगर के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। तो मेरे सहयोगी विजय राठौर एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय, किस तरह का चुनावी शोर छठे चरण को लेकर सुनाई दे रहा है? अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, अखिलेश यादव की जो जनसभा है उसकी तैयारियों को लेकर के मैं पीछे देख सकता हूँ। पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पीछे का जो मंच दिखाए उसके साथ में यहाँ पर के जिस तैयारियां है उन तैयारियों को देखते हुए शिक्षा मित्र भी अपने प्रदर्शन के लिए आए हैं और अखिलेश जनसभा के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ यहाँ के जो स्थानीय, बिल्कुल विजय आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है मेरे पास। देखिए, मैं यहाँ पे जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश। तो आप वहां से थोड़ा दूर हटिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। तो विजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शोर बहुत ज्यादा है क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो समर्थक हैं, वो भारी संख्या में वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन अपडेट लगातार आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे क्योंकि संतकबीर नगर, बस्ती हो, अंबेडकर नगर हो, ये वो जिले हैं, 57 सीटें हैं जहां पर अगले चरण में यानी कि छठे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने 108 नगर निगमों के लिए हर चुनाव के दौरान कथित रूप से गड़बड़ी की है। साथ ही बीजेपी ने विपक्षी दलों के सदस्यों पर हमला करने का आरोप भी लगाया। चुनाव में धांधली के विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुगली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोककर अपना विरोध जताया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प भी देखने के लिए मिली है।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक सीएनजी स्टेशन पर तीन युवकों की हत्या से हड़कंप मच गया। वारदात रविवार रात 3 बजे की बताई जा रही है। नेशनल हाईवे से सटे सेक्टर 31 के सीएनजी पंप पर अज्ञात बदमाशों ने 3 युवकों की चाकू से हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार है। मृतकों की पहचान पुष्पेंद्र, भूपेंद्र और नरेश के तौर पर हुई है। तीनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस ने तीनों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं बरेली में जमीन के विवाद में पैमाइश के दौरान बीजेपी विधायक के भाई और भतीजों ने मठ लक्ष्मीपुर गोंठिया के ललता प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को पीट कर घायल कर दिया। शिकायत पर जतनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ है। इज्जतनगर के सैदपुर हांकिस निवासी ललता प्रसाद ने बताया कि उनकी जमीन में राम बहादुर, तुलाराम और रामदेई सह खातेदार हैं। इन लोगों ने अपने हिस्से की नगर क्षेत्र की सारी जमीन भूमाफिया और सफेद पोशों को बेच दी है। बाकी जो जमीन है वो उनकी है, जिसे उन्होंने नहीं बेचा है। आरोप है कि उनकी इस जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बरेली का ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर मारपिटाई देखी गई है, दबंगई देखी गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बरेली में जमीन के विवाद में पैमाइश के दौरान बीजेपी विधायक के भाई और भतीजों ने मठ लक्ष्मीपुर गोंठिया के ललता प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को पीट पीट कर घायल कर दिया। शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट भी दर्ज करा ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो मारपिटाई का तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार कर रहे हैं। इज्जतनगर के सैदपुर हांकिस निवासी ललता प्रसाद ने बताया कि उनकी जमीन में राम बहादुर, तुलाराम और रामदेई सह खातेदार हैं। इन लोगों ने अपने हिस्से की नगर क्षेत्र की सारी जमीन भूमाफिया और सफेद पोशों को बेच दी है। बाकी जो जमीन है वो उनकी है, जिसे उन्होंने नहीं बेचा। आरोप है कि उनकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान ये झड़प हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं बरेली से। आसिफ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही? मैं आपको बता दूं कि मामला पूरा इज्जतनगर इलाके का है। यहाँ पर करोड़ों की जमीन पर शिकायत है बरेली में। उनके भाई ने साथ वहां पर जमीन कब्जा करने को लेकर आए थे। इसके दौरान वहां पर जमकर मारपीट की गई, जिसको मैं आप देख सकते किस तरीके से वहां पर भाजपा के तमाम नेता हैं, उनके साथ गुंडे हैं, मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में इज्जतनगर पुलिस ने उसके अधिकारियों के निर्देश पर 7 लोगों को नामजद करते हुए 15 से 20 हजार के बीच FIR दर्ज की है। बिल्कुल आसिफ, जो ललता प्रसाद है जिनकी जमीन बताई जा रही है, उनका कहना है कि तीन उसमें जो लोग हैं वो 3 लोगों की जमीन है, लेकिन जो बाकी जमीन है वो उनके परिवार ने नहीं बेची। उसके बावजूद भी जो बीजेपी विधायक है, उनके जो भतीजे हैं, उनके जो भाई हैं, वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से जो बात की लगातार बात कर रहे हैं, फिलहाल इसको लेकर उन्होंने जो जमीन है वो करोड़ रुपए की जमीन बताई है। इसको लेकर वहां पर आरोप है कि भाजपा के समझा उनके भाई और उनके भतीजे और तमाम भाजपा के तमाम दिग्गज नेता हैं, वो जमीन पर नजरे लंबे समय से गड़ाए हुए थे। और यही वजह रही कि आज उस जमीन को लेकर विवाद होता रहा, लेकिन ये वीडियो जो शनिवार को जो वीडियो सामने आया है उसके बाद ये वायरल हुआ लगातार। आज पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है, क्योंकि वीडियो सामने है और सोशल मीडिया पर वायरल भी है? बरेली के पुलिस ने इस मामले में उच्चाधिकारी को निर्देश पर 7 से 8 लोगों को नामजद किया है, जिसमें भाजपा के विधायक है, विधायक के भाई है और साथ ही साथ उनके भतीजों को भी नामजद किया है। साथ ही साथ इस मामले में 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आसिफ। तो बरेली का ये वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। विधायक के भाई की गुंडई सामने आई है, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। वहीं जो पीड़ित है उनका कहना है कि 3 लोग से खातेदार हैं, उसके बावजूद कुछ जमीन उन्होंने बेच दी थी, लेकिन कुछ जमीन उनके पास ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आरोप बीजेपी विधायक के भाई पर लग रहा है कि वो जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं।
कुंडला विधानसभा क्षेत्र के रयापुर पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के पोलिंग एजेंट को गाड़ी में भरकर उठा ले जाने और पीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पूर्व मंत्री और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ कुंडा कोतवाली में SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि रयापुर मतदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव के समर्थक राकेश कुमार को कुछ हमलावर गाड़ी में भरकर उठा ले गए और मारपीट कर घायल कर दिया। एजेंट राजा भैया के इशारे पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या में जहां भारी कमी हो रही है, तो वहीं मृतकों का आंकड़ा भी तेजी के साथ कम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,013 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 119 लोगों की मौत हुई, जो कि कल की तुलना में 124 कम है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब 1.02 लाख सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी के साथ स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.23 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो ये केवल 1.11% रह गई है, जो कि राहत भरी खबर है। और यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit Sir and Arshna Ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala opposite RIMC main gate, Garhi Cant, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान, तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में।
डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग रोड के सामने कूड़े का और शराब की बोतलों का ढेर पड़ा हुआ है। बता दें कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से कहीं अधिकारी रोज गुजरते हैं और इसके सामने से हर पार्टी के प्रत्याशी का भी भटवाड़ी ब्लॉक में आना जाना लगा रहता है, फिर भी शराब की बोतलों के ढेर पर किसी की नजर नहीं पड़ती है, ना ही कूड़े के ढेर पर। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने की एक बार फिर केंद्र सरकार से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना, इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवारों के लिए दिल दुख रहा है। किसी भी अभिभावक को ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। भारत सरकार को यूक्रेन में फंसे लोगों और उनके परिवारों के साथ तत्काल निकासी योजना शेयर करना चाहिए। हम अपनों को नहीं छोड़ सकते। क्या कैसे मार रहे लड़कियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन में भी जलवा है। इसकी वानगी संभल में देखने को मिली है, जहां भारत सरकार यूक्रेन में फंसे जिन छात्रों को वापस लाई है उनमें चार संभल के हैं। वहीं छात्रों और उनके परिजनों ने भारत सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच संभल के 13 छात्र फंस गए हैं, जिन्हें लेकर परिजन जहां चिंतित थे तो वहीं छात्र भी परेशान थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों को वापस भारत लाने का आश्वासन दिया, जिसके तहत एक जत्थे को भारत सरकार ने दिल्ली लाया था, जिनमें संभल के भी चार छात्र शामिल थे। हम तो साहब कहना क्या चाहेंगे, कहना यही है कि ये हमारा बेटा जो फैजान अशरफ है यूक्रेन में था यूनिवर्सिटी में उस ग्रोड में, और वहाँ के हालात ख़राब थे ही, तो बेहिसाब परेशानी थी, बेचैनी थी। लेकिन हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ की सरकार को कि उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कदम उठाकर और हमारे बेटे को और उसके साथ 240 लड़के जो आए हैं फ्लाइट से, एयर से आए हैं, हवाई जहाज़ से, तो सारे लोगों को मतलब दूसरे मुल्क में पहुँचाया और फिर वहाँ से यहाँ हिंदुस्तान पहुँचाया, दिल्ली पहुँचाया, और दिल्ली पहुंचाने के बाद फिर यहाँ की यूपी की गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ी से हमारे घर तक भिजवाया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब सरकार ने ऐसा कदम, ऐसा सराहनीय कदम है ये कि इस कदम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत अच्छा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये उठाया है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम यूक्रेन में थे तो वहाँ पर कीव में और खार्किव साइड में ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन जिस साइड हम थे उस रोड में वहाँ तो कुछ सेफ थे हम। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया हिंदुस्तान को। पहले हम बसों से, बस द्वारा वहाँ गए, हंगरी बॉर्डर पर गए, हंगरी से वहाँ से हम प्लेन से दिल्ली आए, और इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।